सीवी रमन। परिचय। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें अक्सर सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया था। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। जन्म एवं स्थान। सीवी रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को भारत के तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर भौतिकी के प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अम्मर एक गृहिणी थी। शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई थी। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। बीए की परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी व प्रथम स्थान में आए थे। रमन प्रभाव की खोज। सीवी रमन जी का प्रकाश के प्रति आकर्षण कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्होंने ही बताया था कि पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश अपना रंग कैसे बदलता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उनकी खोज ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी तकनीकों की नींव रखी थी। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। सीवी रमन जी शिक्षा और अनुसंधान के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया और बाद में 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां उन्होंने 1970 में अपनी मृत्यु तक अपनी वैज्ञानिक जांच जारी रखी। निधन। सीवी रमन जी का निधन 21 नवंबर 1970 को बैंगलोर, कर्नाटक, भारत में हुआ था। उनकी विरासत भारतीय युवाओं को सदैव प्रेरित करती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।